नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रहटी ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत पूरे जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रहटी पुलिस द्वारा कलवाना जोड़ के पास मोटरसाइकिल से गांजा ले जा रहे दो तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसडीओपी शशांक गुर्जर ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नशा मुक्ति अभियान में जिले में नशे का अवैध कारोबार एवं नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार वैधानिक कार्रवाई जारी है। मयंक अवस्थी पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी को ऑपरेशन प्रहार के तहत मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हेतु लगातार सशक्त दिशा निर्देशन दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी से प्राप्त दिशा निर्देशों एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग एवं अनुविभागीय अधिकारी बुधनी शशांक गुर्जर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गोपिंद्र सिंह राजपूत की टीम ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को 5 किलो 200 ग्राम गांजा एवं मोटरसाइकिल कीमती करीबन 50,000 रूपए की मशरूका सहित दबोच लिया। रहटी पुलिस को मुखबिर से गांजा तस्करी के संबंध सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा कलवाना जोड़ नसरुलागंज रहटी रोड पर घेराबंदी कर दो गांजा तस्करों को मोटरसाइकिल सहित दबोचा। दोनों आरोपी गणों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा करीब 5 किलो 200 ग्राम कीमती करीब 50,000 रूपए बरामद हुआ। आरोपी गणों के कब्जे से मौके पर मिला 5 किलो 200 ग्राम गांजा एवं मोटरसाइकिल जब्त कर कुल करीब 1 लाख का मशरूका जब्त किया गया। वह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड लेकर आरोपियों से अवैध गांजा के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सर, आज क्या कार्रवाई की और किन कारणों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? संपूर्ण प्रदेश में जो नशा मुक्ति और अवैध मादक पदार्थों के जो अभियान चल रहा है, उसी के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी के संबंध में कल दिनांक 17 अक्टूबर को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति संदिग्ध है, बाहर से गांजा तस्करी करके यहाँ रेहटी एवं आसपास के क्षेत्र में बेचने की फिराक में है। तो वरिष्ठ अधिकारियों से उसको सूचित किया गया, कड़े उनसे निर्देश प्राप्त किए गए एवं टीम गठित की गई। कलवाना मोड़ पे टीम के द्वारा दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। उनके द्वारा पुलिस को देखे भागने का प्रयास जब किया गया तो घेराबंदी करके उन्हें पुनः पकड़ा गया। उनके पास से जब चेकिंग की गई तो 5 किलो 200 ग्राम गांजा, जिसकी टोटल वजन किया गया बाद में, वो जब्त किया गया है और एक प्लैटिना बाइक जब्त की गई है। उनसे दोबारा पूछताछ की गई तो उनसे द्वारा बताया गया कि जो गांजा है ये रायपुर से कहीं से लाए थे और यहाँ आसपास बेचने की फिराक में थे। तो गांजा कहाँ से लाए थे, किनको बेचने की फिराक में थे, इनसे और पूछताछ की जा रही है और जो भी इस पर कड़ी सामने आएगी उसमें और भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, पूर्व में भी ये गांजे के उसमें गिरफ्तार हुए हैं क्या? ये जो आरोपी है, ये पूर्व में भी गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और ये इसकी शोहरत यही कि आसपास के क्षेत्रों में गांजा बेचता है। और इस तरह के अन्य व्यक्ति हैं जो हमारा अभियान चल रहा है, इसमें हम अन्य व्यक्ति को भी टारगेट करके उनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। रहटी से खबर समय जगत के लिए बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।